सर बेसिकली मैं जो हूँ जर्मनी में होता हूँ, तो 2020 में मैंने ये जो है सोसाइटी को ज़रा थोड़ा सर्च किया। 2 5 मरले के, 2 7 मरले के और 1 कनाल का प्लॉट है। सोसाइटी तो नहीं इसे कह सकते, ये पूरा शहर ही है। 1 रोड भी आप कनेक्ट होती है और साथ में सियालकोट मोटरवे भी है, यहाँ से आप जो है अच्छे एग्जिट कर सकते हैं। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है और मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। और मैं फर्दर भी और भी प्रॉपर्टीज़ अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट हुई तो मैं यहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी में ही करूँगा थ्रू 5 लैंड प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टी दुनिया और 5 लैंड प्रॉपर्टीज़ के जो वो है उसको लाइक करें, फॉलो करें और इनकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते हैं ये और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इनके फॉलोअर्स और ज़्यादा हों। एवरीवन, प्रॉपर्टी की दुनिया से आपका दोस्त फैसल जाहिद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ है। आज हम फिर साइट पर आए थे, मेरे साथ एक मौजूद हैं, आपको नजर आ रहे होंगे एक भाई। ये बेसिकली जर्मनी से इनका ताल्लुक है, शेरोज खान इनका नाम है और ये काफी दिन से जो है इन कॉन्टेक्ट थे हमारे जैन भाई के साथ थ्रू टेलीफोन और व्हाट्सएप। और ये चाह रहे थे कि जब ये पाकिस्तान आए तो हम इनको लाहौर स्मार्ट सिटी का जो है एक ब्रीफली विजिट कराएं, क्योंकि इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में ओवरसीज ब्लॉक के अंदर। तो ये रिसेंटली लाहौर आए थे, पाकिस्तान आए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज के दिन, एक बड़ा सनी डे है, तो हमने सोचा कि आज के दिन इनको हम सोसाइटी के ऊपर विजिट कराते हैं। जी शेरोज खान साहब, क्या हाल है आपके? आप खैरियत हैं? ठीक ठाक है। अपने बारे में बताएं मेरे व्यूअर्स को कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपके पास क्या क्या पड़ा है लाहौर स्मार्ट सिटी में। सर बेसिकली मैं जो हूँ जर्मनी में होता हूँ, मैं यहाँ पे आजकल 10 के रहायशी हूँ और मैं पहले इस्लामपुर में रहता था लेकिन बड़े अरसे से मैं जर्मनी शिफ्ट हो गया हूँ। तो 2020 में मैंने ये जो है सोसाइटी को ज़रा थोड़ा सर्च किया, मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे की है। मेरे पास यहाँ पे 2 5 मरले के, 2 7 मरले के और 1 कनाल का प्लॉट है। अच्छा, मस्त। मेरा जो है ओवरसीज 2 में जो है वो है, ये यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया, यहाँ पे पीछे करके जो है मेरे प्लॉट है। तो मैं कहता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जगह है और मैंने आज पहली दफ़ा विजिट किया और मुझे ये जो है सोसाइटी तो नहीं इसे कह सकते, ये पूरा शहर ही है, ये एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आप जो है बहुत अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। ये हम लोग इस वक्त कॉलेज की छत पर खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, ये इंशाल्लाह छोटी ईद के बाद ऑपरेशनल हो जाएगा और ये जगह भी बहुत अच्छी है। आप यहाँ से जो है रिंग रोड भी आप कनेक्ट होती है और साथ में सियालकोट मोटरवे भी है, यहाँ से आप जो है अच्छे एग्जिट कर सकते हैं वैलिड लाहौर सिटी जाने के। देखिए व्यूअर्स, आज हम तकरीबन यहाँ पर सुबह के टाइम 10:30-11 बजे के टाइम आए थे, 2 से 2.5 घंटे हमने लगा के शेरोज भाई को सारी सोसाइटी विजिट कराई है। उनका था कि ये जो बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे सेक्टर बी के अंदर, एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ये क्या चीज है? तो मैं वो सारी बिल्डिंग का विजिट कराते कराते जब इनको लेके आया हूँ तो इनकी तबीयत माशाल्लाह, आपको मतलब मजा आया और देखे कि यार कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। Exactly. इसीलिए मतलब मेरे से ज्यादा तो इन्होंने ब्रीफ कर दिया कि भाई इनको इस टाइम ये लोकेशन लग रही है और इस टाइम यहाँ खड़े हुए हैं। और हमने जो नीचे इंजीनियर से बात की, उन्होंने कहा कि ईद के बाद बाद जो है ये जो कॉलेज की बिल्डिंग है इसको उन्होंने ऑपरेशन कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जी इनका एतमाद है इस चीज के ऊपर कि जितना इन्होंने डेवलप कर दिया वो एरिया माशाल्लाह, वो किसी भी यानी कि सोसाइटी को अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसके साथ तो सब पीछे रहे थे। क्यों शेरोज भाई? ऐसे ही है, मैं इसको सोसाइटी कहूंगा नहीं, एक पूरा शहर है, यहाँ पे हर चीज है, इनके जो है ना प्लान्स बहुत अच्छे हैं और जो है और ये बहुत तेजी से यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो कि नजर आ रहा है। बाकी सोसाइटीज में मैंने विजिट की है, वहाँ पे जो है ना इतनी तेजी से काम नहीं हो रहा और मैं जो है बहुत खुश हूँ इस सिलसिले में कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। शेरोज भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप जब जर्मनी से आप पाकिस्तान आएंगे, हाँ जी, तो क्या आप लाहौर स्मार्ट सिटी में आके रहना पसंद करेंगे या अपने स्क्रीट वाले घर में रहना पसंद करेंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह मैं अपना घर जो है यहाँ पे बनाऊंगा, ये जगह मुझे बहुत पसंद आई है और यहाँ पे जब ये बिल्कुल टोटली डेवलप्ड हो जाएगा तो आपको इधर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल होगी आपको। इन्होंने अभी मुझे बताया है कि यहाँ पे जो है फैसल भाई ने कि यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड और 2 और ग्राउंड बनेंगे, स्टेडियम बनना है, हॉकी स्टेडियम बनना है। और मलक साहब ने, बल्कि मलक असलम साहब जो सीईओ हैं इस ग्रुप के, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे फॉर्मूला 1 रेसिंग का भी इन्होंने ट्रैक बनाना है यहाँ पे।
जो स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट बन रहा है ना आगे इनके, वहां पे करके ये सारी चीजें इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे। अभी तो नहीं है, अभी तो सिर्फ एक आपको हमने स्टेडियम दिखाया है वो सामने, लेकिन फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो आपको इन्हें बताई हैं वो जरूर होंगी। और फैसल भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि जब शेरोज भाई जाएंगे जर्मनी दोबारा, तो वो अपने दोस्तों को भी जाके बताएंगे कि भाई लाहौर पाकिस्तान के अंदर भी हमने ऐसी सोसाइटी देख के आया हूं मैं जो एक स्मार्ट फीचर के ऊपर बन रही है। बिल्कुल, तो क्या शेरोज भाई आप अपने दोस्तों को बताएंगे? जरूर बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे ये एक कनाल के विलास जो है ये डेवेलप हो रहे हैं और तकरीबन ऑपरेशनल हो चुकी हैं, और यहाँ पे जो है बहुत जल्द रिहाइश आ जाएगी। तो इट मीन्स कि आप अपनी रिहाइश का भी जो है यहाँ पे सोच सकते हैं। मुझे शेरोज भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपने, मुझे नहीं पता आपने किस से ये बुकिंग ली थी, ये जो 5-6 प्लॉट आपके पास यहाँ पे हैं। आप हम मेरे व्यूअर्स को मेरे चैनल के थ्रू ये बताएं कि जब आपका हमारे साथ इंटरेक्शन हुआ, ये हमारे जो जैन भाई हैं इनके साथ इंटरेक्शन हुआ, तो आप हमारी सर्विसेज से कितने मुतमईन हैं? सर मैं ये 5 लैंड प्रॉपर्टीज से बहुत जो है मुतासिर हुआ और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। मैंने जो है ये प्लॉट वगैरह जो है मैंने कहीं और से लिए थे, उन्होंने जो है मुझे आधे रास्ते में जो है वो तोड़ दिया, और बाकी जो है ये सारा कुछ जो किया है वो 5 लैंड प्रॉपर्टीज, और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। ये बहुत अच्छी टीम है और मैं कहता हूँ कि अगर आपने किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी है लाहौर स्मार्ट सिटी में, तो आप जरूर 5 लैंड प्रॉपर्टीज से रابطہ करें। और जैन भाई और फैसल भाई जो हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं और इनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है इधर इस सोसाइटी के बारे में। जैन भाई के बेसिकली व्यूज, ये क्लाइंट थे जैन भाई, हमारे पायनियर्स हैं और बड़े चीते किस्म के इंसान है ये, और इन्होंने ही माशाल्लाह शेरोज भाई को प्रॉपर गाइड किया, और जब वो पाकिस्तान आ रहे थे तो उनको समझाया कि सर आप पाकिस्तान आए, आपकी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपने की है बहुत सेफ है, हम आपको विजिट कराएंगे तो आपके इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ शेरोज भाई, आप बाकी जो जैन भाई ने आपको अल्फाज कहे थे, जब आप पाकिस्तान आएंगे और आपको हम विजिट कराएंगे सोसाइटी का, तो आपको जो है मजा आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, आपको तबीयत जो है ना वो सचमुच खुश हो गई है, बहुत अच्छी सोसाइटी है ये और मैंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है और मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था, और मैं फर्दर भी और भी प्रॉपर्टीज अगर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट हुई तो मैं यहाँ लाहौर स्मार्ट सिटी में ही करूंगा थ्रू 5 लैंड प्रॉपर्टीज। सर बहुत शुक्रिया, एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स को ये भी कह दें कि एक मेरा चैनल है प्रॉपर्टी की दुनिया, उसको भी सब्सक्राइब कर दिया करें, मैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है ना डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। एक हमारा ऑफिशियल चैनल है 5 लैंड प्रॉपर्टीज, यूट्यूब के ऊपर लोग सर्च कर सकते हैं, उसको भी जरा अगर आप कह दें अपने अल्फाज में सब्सक्राइब। सर आप ये प्रॉपर्टी दुनिया और 5 लैंड प्रॉपर्टीज के जो वो है उसको लाइक करें, फॉलो करें, और इनकी वीडियोस को भी जरूर देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते हैं ये, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इनके फॉलोअर्स और ज्यादा हो जाए। शेरोज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान आएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे जिस जगह जिस एरिया में आपका प्लॉट है जब आप आए वहाँ पे डेवलपमेंट हुई हो और वहाँ जाके हम आपके साथ वीडियो बना सकते। थैंक यू वेरी मच, बहुत जैन भैया आप कुछ कहेंगे? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इसी के साथ अपने दोस्त फैसल जाहिद को, शेरोज भाई को और जैन भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, अल्लाह हाफिज़।